हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञान दायनी के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को पता है, संविधान चल रहा है ना। सुबह 8 बजे जो आपको क्लास दी जाती है, क्लास मिलती है, उसमें आप सभी को संविधान के बारे में बताया गया है। संविधान का भाग 3 चल रहा है, ठीक है ना। भाग 3 जो 12 से लेकर 35 तक की बात कही गई है, 12 से लेकर 35 तक की बात कही गई है इसमें। किससे? 12 से लेकर 35 तक की बात कही गई है। और मेन तो इसमें कितने हैं तो आप देखेंगे 14 से लेकर 32 तक ही हैं, ठीक है, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न आप देखेंगे तो यहीं से आते हैं, 14 से लेकर 32 तक के बीच की बात आती है, ठीक है। तो चलिए अगली क्लास शुरू करते हैं। अभी संविधान का यही मूल अधिकार ही चलेगा, भाग 3 ही। इसमें कुछ पॉइंट हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जिन्हें आप पढ़कर कहेंगे कि हाँ, ये बात एग्जैक्टली पता होनी चाहिए। और आप सभी लोगों को वहां तक ले जाया जा रहा है कि आपसे कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम हॉल पर बिल्कुल ना छूटे, ठीक है ना। तो आप सभी लोग हैरान परेशान बिल्कुल नहीं होइएगा। हम आपसे वादा किए हैं, हम आपको हर एक चीज बताएंगे। तो जाहिर सी बात है, हम आपको हर एक चीज से परिचय जरूर कराएंगे, ठीक है। चलिए, आर्टिकल 32 तक की बात हो गई थी। आप सभी को पता है आर्टिकल 32 में मैंने जो भी कुछ बताया था, बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार है। बंदी पति परमेश्वर, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, प्रतिषेध है, प्रतिशोध नहीं, प्रतिषेध है, ठीक है ना, प्रतिषेध है, प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, ठीक है। ये 5 अधिकार दिए गए थे, इसमें 24 घंटे के अंदर आपको रखना है। प्रतिषेध और जो आपका उत्प्रेषण है, ये 2 ऐसे हैं जो केवल न्यायालय या विधि के लिए लागू होते हैं, ठीक है ना। इसमें अगर प्रतिषेध में क्या किया गया है, अगर व्यक्ति ने मान लीजिएगा कोई कानून स्टे लगाना, तो कहाँ लगेगा? स्टे, प्रतिषेध, रोक लगा दिया जाए, मना कर दिया। और अगर उसने न्यायालय पर अपना निर्णय सुना दिया तो इसको सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकते या शून्य घोषित कर। परमादेश, हम आदेश देते हैं कि आप सभी लोग ऐसा करें। अधिकार परीक्षा, अपने अधिकारों से अधिक कार्य करना, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पढ़ाने योग्य नहीं और हम जाए डीएम की वर्दी पहने और डीएम हम पढ़ाने योग्य यहाँ पर है, पढ़ाने योग्य ना होते जैसे, तो हम बात करने पढ़ाने योग्य ना होते और यहाँ पर पढ़ाने के लिए चले आते, तो हम अधिकार अपने अधिकार से ज्यादा कर रहे हैं ना। तो किस अधिकार से? कारण बताओ किस लिए। और कारण बताओ हाई कोर्ट का बहुत बड़ा प्रश्न होता है, क्या कारण बताओ। तो उसी तरह जैसे अभी हम टीचर हैं, एक मान लीजिए टीचर हैं और उसके बाद हम डीएम की वर्दी पहनकर, तो किस अधिकार से मैंने डीएम या एसडीएम की वर्दी पहनी है, अगर हम डीएम एसडीएम नहीं है तो, ठीक है। तो ये हमारे अधिकार से परे है या हमारे अधिकारों से बढ़कर है, ठीक है, इनको हम नहीं ले सकते। ये हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, मतलब हम किसी के मूल अधिकारों का हनन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैंने बता ही दिया है इनमें, अब बार बार डिटेल आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। तो ये नोट्स में सब कुछ पहले से बयां कर रखा है मैंने आपको। आप आर्टिकल जो 5 है, ये 226 के तहत हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है और वही पावर रहेगी जो सुप्रीम कोर्ट करती है। आर्टिकल 33 से बात करनी थी, ठीक है। आर्टिकल राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों में संसद, सेना, मीडिया, गुप्तचर के मूल अधिकारों को सीमित कर सकती है। अब संसद है, अब संसद में मान लीजिए सेना आई है और सेना बता दे कि बॉर्डर पर ऐसे ऐसे घुसकर यहाँ यहाँ से क्या बनाए जाते हैं, गुप्तचर मार्ग भी बनाए जाते हैं जो सिर्फ सेना को पता हो, और आगे संसद में बोलने लगे। संसद में आम इंसान भी बैठा रहता है ना, आम का मतलब समझ रहे हो ना, आपके सांसद होते हैं, आपके विधायक होते हैं वगैरह वगैरह, और भी लोग जाते हैं। तो इन लोगों के सामने अगर वो सेना, तो ऐसे कुछ जैसे सेना के कुत्ते जो होते हैं, उनको जब वो रिटायर्ड होते हैं तो उनको गोली मार दी जाती है, क्योंकि इससे भी बहुत लोग कुछ सीख सकते हैं। तो सेना से कुछ चीजों को छुपा कर, मतलब सेना वाले कुछ चीजों को छुपा कर, मीडिया, अब मीडिया तो राष्ट्रपति भवन में भी जाती है, पीएमओ भी जाती है या पीएम ऑफिस भी जाती है, पीएम कार्यालय भी जाती है, जहां आपके पीएम साहब बैठते हैं और पता चले आकर बोलने लगे बाहर कि यहां से जाना था उत्तर दिशा में, उत्तर से जाना था आपको दाएं दिशा में, दाएं से फिर उत्तर जाना था, उत्तर से फिर दाएं, फिर दक्षिण आना था, फिर ऐसे जाना था, फिर ऐसे, और यहाँ पर पीएम जी का रूम है, ठीक है। तो इससे तो बहुत बड़ा बवाल हो सकता है ना। इसलिए गुप्तचर,
गुप्तचर जो हम छोड़ते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति जी को या सेना के गुप्तचर होते हैं सबके ना, अपने अपने गुप्त, पुलिस के अपने गुप्तचर होते हैं, तो वो सारी बातें सबको नहीं बता सकते, वो सिर्फ उन्हें बता सकते हैं जिन्होंने गुप्तचर के रूप में उन्हें रखा है। ठीक है, तो ये सीमित करता है इनके अधिकारों को। आर्टिकल 34 क्या कहता है, देखिए, भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून मार्शल लॉ लागू किया जा सकता है। सेना के न्यायालय को कोर्ट मार्शल कहते हैं। सबसे कठोर मार्शल लॉ या अफ्सपा होता है, जिसे एक्शनल फोर्स स्पेशल पावर एक्ट कहते हैं। ठीक है, बहुत कठिन ये होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा कठिन होता है। तो मार्शल लॉ जैसे आपका आपातकाल होता है, जैसे आपका आपातकाल मार्शल लॉ उसी तरह का थोड़ा थोड़ा सा होता है। ठीक है ना, जैसे आपका धारा 144 लगा दिया जाता है कि आप 5 लोग 4 लोग खड़े होकर, ये सबसे छोटा है। फिर आपका कर्फ्यू लगाया जाता है, फिर आपका क्या किया जाता है, कहें कि कोरोना काल में क्या कर दिया, लॉकडाउन लगाया जाता है, फिर लॉकडाउन, फिर कर्फ्यू, फिर जनता कर्फ्यू पहले आया, फिर कर्फ्यू आया, फिर पूरे देश में, फिर थोड़े दिन का, फिर और थोड़े, फिर 2 महीने। अब सरकार भी एक-एक नहीं बढ़ा सकती थी कि कह दे 3 महीने का लॉकडाउन, जनता भी पगला जाए और उसे संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना, इसलिए तो मार्शल लॉ लगाया जा सकता है। आर्टिकल 35 कहता है भाग 3, मतलब आपके मूल अधिकार जो है, भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार को लागू होने की विधि की चर्चा कहां पर है, संसद करेगी। कौन करेगा, संसद। इन्हें अपने विधि के अनुसार अच्छे से लगाएगी, क्या करेगी, इनको आप अच्छे से करेगी। ये नहीं कि बस गए, बस मन किया तो लगाए, मन नहीं किया तो नहीं लगाए। ठीक है ना, इनको क्या करना है, अच्छे से लगाना है। हाँ, समझ रहे हैं ना बात को, आई होप कि आप समझ रहे होंगे। भारत के किस, कहा गया है कि भाग 3 में निर्देशों ने चर्चा की गई। ठीक है ना, तो संसद सारे काम करेगी, कानून लगाएगी। देखिए, मूल अधिकारों को 7, अब रिवीजन का टाइम आ गया है। अभी विदेशियों को कौन मिले हैं नागरिक, और केवल भारतीय नागरिक को कौन अनुच्छेद, यही पर बात है। देखिये, वर्तमान में 6 मूल अधिकार में 7 श्रेणियां थी। ठीक है, तो संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, समानता का अधिकार जो था 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। ठीक है, 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29-30। संपत्ति का अधिकार खत्म कर दिया गया और ये एक वैधानिक अधिकार या विधिक अधिकार बन गया। ठीक है, कहाँ चला गया, 300 का में, बहुत दूर, अतः पता नहीं है ना, और इसको समाप्त कर। फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32, क्या है, आर्टिकल 32 है। अगर सिर्फ पूछा जाए, देखिए आप भारतीयों वाले याद कर लीजिए, केवल भारतीयों को मिलता है कौन कौन से, 15, 16, 19, 29, 30, कितने आर्टिकल हैं, तो आप कहेंगे 5 आर्टिकल हैं। कौन कौन से, 15, 16, 19, 29, 30, 5 आर्टिकल ऐसे हैं जो आपके, 1, 2, 3, 4, 5 आर्टिकल ऐसे हैं जो केवल और केवल भारतीयों को दिए जाते हैं। 15 में कहा गया है आपका मूल, मूल स्थान, मूल जन्म स्थान, जन्म स्थान, जाति, भाषा, लिंग पर भेदभाव नहीं कर सकते। अब विदेशियों से आप जन्म स्थान पर भेदभाव कर सकते हैं, जन्म स्थान से भेदभाव कर सकते हैं। 16 में कहा गया है लोक नियोजन, मतलब नौकरी के लिए। अब पता चले यहाँ पर पाकिस्तानी और कहें कि हमको एनडीए में भर्ती कर लो ना, इसीलिए सिर्फ भारतीयों को। और 19 में कहा गया है, जिसे संविधान का रीढ़ कहा जाता है, आर्टिकल 19, सभा करने का, संगठन करने का, चारों तरफ घूमने का, विचार करने का, विव्यक्त करने का, बोलने का, पुतला जलाने का, झंडा फहराने का, ठीक है, ये सारे अधिकार, व्यापार करने का। ठीक है, और इसी में था संपत्ति का अधिकार भी, संपत्ति अर्जन वाली। यहाँ पैतृक वाली संपत्ति की बात कही गई थी, यहाँ पर अर्जन वाली संपत्ति की बात कही गई थी। ठीक है, तो उसे क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, दोनों समाप्त कर दिए 1978 में। ठीक है, 1978। 29 में मैंने आपको पढ़ाया, 29 और 30 एक ही है, कि अल्पसंख्यक के संरक्षणों का अधिकार होगा, मतलब अगर आप अल्प है तो शिक्षा पाने का अधिकार रखते हैं। अब पता चले अंग्रेज आए यहाँ पर, अंग्रेजों ने कहे कि हम भी तो अल्प हैं,
और हम और आपको शिक्षा लेने में दिक्कत हो रही है तो आप अपने लिए अलग से शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। पता चले यहाँ पर खुल जाए तालिबान शिक्षण संस्थान तालिबान ना, तो इस तरह पता चले पाकिस्तान के लोग आए और यहाँ पर खोल दें कि यहाँ पर सिर्फ बारूद ही मिलेगा, बारूद रिसर्च सेंटर ना, या कुछ भी और भी हो सकते। तो ये इसलिए सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को, बाकी इनके अलावा जितने हैं सब के सब किसको है, भारतीय तथा विदेशी दोनों को है। जैसे आर्टिकल 14 जो समान विधि की समानता रखता है, ठीक है, 20, 21 का शिक्षा का अधिकार भी उन्हें है, भाई ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 23, 24, 25, 28 भारतीय तथा सबको प्राप्त है। हड़ताल करना तथा चक्का जाम करना मूल अधिकार नहीं है, क्योंकि इससे अन्य व्यक्तियों के मूल अधिकारों का हनन हो सकता है। मान लीजिएगा आपने हड़ताल की है, क्या किया है, हड़ताल कर दिए ना, अब आप हड़ताल करेंगे, अब वहां पर जहां पर भी आपने हड़ताल की है जाहिर सी बात है जाम लगेगा, आगे लिखा भी है चक्का जाम नहीं कर सकते। आपका अधिकार है कि आपने चक्का जाम कर दिया, लेकिन दूसरा कहेगा हमारा अधिकार है ना कि हम जाए आए कुछ भी करें, तो आपने चक्का जाम करके दूसरे के अधिकार या मूल अधिकारों को हनन किया या उनका उल्लंघन किया, तो आपको आर्टिकल 13 याद दिलाया जाएगा कि आपके अधिकारों को अल्पीकरण किया जाता है। स्थाई आवास तथा अनिवार्य रोजगार मूल अधिकार नहीं है। अब आप कहें कि हमारे और कहां जाना है, आप सीधा जाए सुप्रीम कोर्ट, भगा दिए जाएंगे, आप क्या किए जाएंगे, भगा दिए। अब आप कह रहे हैं हमारे पास स्थाई आवास नहीं है, हमें मूल अधिकार नहीं है, आपको मूल अधिकार, ठीक है ना, सरकार अपनी तरफ से सबको घर दे रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये आपको मूल अधिकार नहीं है कि आपके पास स्थायी आवास नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ऐसा कोई मूल अधिकार। अनिवार्य रोजगार, अगर आपको सरकारी नौकरी नहीं है, आपके पास अनिवार्य रोजगार नहीं, तब भी आप नहीं जा सकते, कहां पर, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, ये आपका मूल अधिकार नहीं है, सीधी सी बात कही गई है। डालने का अधिकार, राजनीतिक अधिकार ना मूल अधिकार। अब आपकी वोट डालते समय पर्ची खो गई तो आप चले जाए सुप्रीम कोर्ट कि हमारा मूल अधिकार है, हम वोट डालेंगे अपना चाहे जैसे डालें, अरे भगा दिए जाओगे, ये आपका वोट डालने का मूल अधिकार नहीं, ये राजनीतिक अधिकार है। कैसा है, राजनीतिक अधिकार है। आगे कहा गया है कि मूल अधिकारों को कुछ समय के लिए राष्ट्रपति निलंबित करते हैं, क्या करते हैं, कुछ समय के लिए अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा है या राष्ट्रपति शासन लगा है तो उन्हें कुछ समय के लिए निलंबित कर सकते हैं, लेकिन 20 और 21 को नहीं कर सकते हैं किसी भी हाल में, ठीक है ना, इनको नहीं कर सकते। मूल अधिकार को स्थायी रूप से प्रतिबंधित संसद करती है, कौन करती है, संसद करती है, आर्टिकल आपका 35 बता रहा है ना, संसद विधि करेगी, मतलब संसद इसे प्रतिबंधित कर सकती है या विधि बना सकती है। मूल अधिकार का रक्षक कौन है, तो आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत, ठीक है, आर्टिकल 226 के तहत। आइए कुछ और तथ्य देखिए, स्मरणीय तथ्य होने चाहिए आपके पास और इनको याद कर लें, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं प्रश्न, ठीक है। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है, मैंने सब एक एक आर्टिकल की बात कर ली आप सभी के बीच में। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं और सबसे लिखित, सबसे पहला विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान कौन सा था, तो आप कहेंगे यूएसए का ही है, कहां का है, यूएसए का। हमारे यहाँ का सबसे बड़ा मूल संविधान है, बड़ा और लिखित संविधान है, ठीक है। चलिए भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक किया गया है, ठीक है, आपके मूल अधिकार भाग 3 जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक की बात करता है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 6 मूल अधिकार है, कौन कौन से, तो आप कहेंगे समानता का अधिकार, फिर आप कहेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, फिर आप कहेंगे इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, फिर आप कहेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फिर उसके बाद आप कहेंगे शिक्षा या संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, ठीक है, फिर उसके बाद आप कहेंगे उपचार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। कितने हो गए, 6 हो गए ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सिर्फ ये 6 है। संपत्ति का अधिकार भाग
छह के अंतर्गत आता था, पहले सात थे क्योंकि अब छह ही है ना, भाग मतलब पार्ट सिक्स में आता था छठवें नंबर पर, उसको समाप्त कर दिया गया। तो कितने छह हैं। मूल अधिकार को लागू करने का दायित्व तो न्यायालय का है, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों का है। अगर सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को लागू करने का दायित्व तो नहीं होता तो मूल अधिकार एकदम क्या थे, शक्ति विहीन थे, कुछ नहीं था इनमें। जैसे आम संविधान या अनुच्छेद थे उसी तरह ये भी होते, लेकिन यहाँ पर न्यायालय बड़ा कठोर कदम उठाता है आपका, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ना। चलिए, मूल अधिकार को राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जा सकता है, जबकि इन पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने पर अधिकार संसद को है। राष्ट्रपति चाहेंगे तो निलंबित कर सकते हैं, लेकिन प्रतिबंध अगर लगाना है तो वो किसके पास अधिकार है, संसद के पास है। ठीक है, प्रेस की आजादी या प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) के काम में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निहित है। ठीक है ना, तो इतनी सारी बातें तो आपको ये याद होनी चाहिए। आइए, अनुच्छेद 21 कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। संवैधानिक उपचारों में अधिकार परीक्षा को पोस्टमार्टम की भी संज्ञा दी गई है। ठीक है, सशस्त्र विद्रोह को 44वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। सशस्त्र विद्रोह पहले नहीं था ना। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को वैधानिक अधिकार बना दिया गया तथा यह अब संविधान के अनुच्छेद 300(k) के अंतर्गत प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के काल में हुआ था, जो पहले ये गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं। संविधान में सशस्त्र विद्रोह शब्द 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया। राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं होते, याद रखना है। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 द्वारा अनुच्छेद 21(k) के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 21(k) के अनुसार राज्य 6-14 वर्ष के आयु के सभी बालकों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूलभूत अधिकार की श्रेणी में रखा है। निजता का अधिकार, आप चाहे जिसके साथ घूमें फिरें, शादी करें, ब्याह करें, गर्लफ्रेंड बनाए, बॉयफ्रेंड बनाए, अरे बहुत सी चीजें निजता के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है, आप चाहें तो घर वाली दूसरी रहे, बाहर वाली दूसरी रहे, लेकिन ध्यान रखें फिर इसमें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट अगर आप गए तो कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है ना, इसलिए ध्यान से, अब ये नहीं कि आपको आजादी है कि आप दो चार रखें, ठीक है ना, मजनू लैला नहीं बनिएगा ना। तो आपको निजता का अधिकार है, आप किसी के फोन को, आप किसी के फोन को बिना उसकी अनुमति के छू नहीं सकते। आप किसी की सामान को अगर वो चाहता है कि ये सामान हमारी नहीं छुई जाए तो आप उसकी अनुमति के बगैर उसे नहीं छू सकते, सीधी सी बात है। ठीक है ना, अगर वो चाहता है कि उसकी जिंदगी पर कोई दखल अंदाज नहीं करे तो आप नहीं कर सकते, ये निजता का अधिकार है। ठीक है, आप पढ़े लिखे हो, आपको पता होगा। पंथ निरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता तथा राज्य सभी धर्मों को समान सम्मान देगा। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता भाई, पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता का अपना कोई अर्थ, ये उसका अर्थ है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता। राज्य का कोई धर्म थोड़ी ना होता कि यूपी है तो सिर्फ हिंदू का होगा, ठीक है, अलीगढ़ है तो सिर्फ मुस्लिम का होगा, ऐसा कोई राज्य नहीं करता है। सबके लिए यहाँ पर समान सम्मान होगा, और बल्कि राज्य का मतलब यहाँ देश है। क्या है? देश। ठीक है, सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 19 अभी मैंने बताया 15, 16, 19, 29, 30 है। 15, 16, 19, 29, 30 है। शेष अधिकार भारतीय तत्व के साथ साथ निवास करने वाले जो भारत में निवास करते हैं उन व्यक्तियों को भी मिलता है। अगर इनको दे दिया जाता तो ये यही कहते ना, हमें सरकारी नौकरी, जो आपके लोक नियोजन, जो आपका इसमें जाति धर्म के आधार पर है सब में छूट दो, शिक्षा पाने, पता चले सिर्फ बारूद की यहाँ पर खेती होने लगे और ना अगर कराओ तो अलग से ही ये अपनी खेती बनाने लगे ना, इसलिए रोक लगाया। परमादेश रिट के द्वारा किसी
समक्ष न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति निगम या निचली अदालत को कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है जो उसकी उसका कर्तव्य सीमा में आता है और उसको उन्हें पूरा करना चाहिए। जैसे स्कूल, प्राइमरी स्कूल या प्राथमिक स्कूल जो होते हैं, प्राथमिक स्कूल, अब वहां पर अगर लेडीज टीचर हैं तो अगर ठंडी आ गई तो ऊन लेकर जाती हैं, वहां पर क्या बुनती हैं, तो ऊन से स्वेटर बनाएंगी। गर्मी आ गई तो दुनिया भर की डिजाइन करेंगी। वो इन सबसे परे है ना, आप शिक्षा देने गए तो आप शिक्षा दीजिए, ठीक है, शिक्षा दी। टीचर उंगाते रहते, कुर्सी में बैठकर उंगाते रहते, मक्खी मारते रहते, बच्चों से कहेंगे पढ़ो ना, अपना सोते रहते हैं। और कई वीडियो भी इस तरह के वायरल हुए, आप सभी लोग देखे भी होंगे ना। आगे है कि नागरिक अधिकार संरक्षण 1955 जो आपका 1955 में आया था कि धारा 12 के तहत न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था यदि ऐसा अपराध अनुसूचित जाति के सदस्य के संबंध में किया गया है या नहीं। ठीक है, आपको यहाँ पर समझने की जरूरत है। आइए, ये कुछ प्रश्न है, कुछ नहीं बहुत है ना, चलिए करते हैं एक एक करके, आप भी उत्तर दीजिएगा। कहा गया विधि का नियम या कानून अधिनियम का मतलब क्या है। सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र, यही सही है। सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक राज्य, अरे क्यों होगा, सभी के लिए एक राज्य और सभी के लिए एक न्याय तंत्र, नहीं। चलिए, संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है, तो किसे पोस्टमार्टम कहा जाएगा, जल्दी से बताएं। प्रतिषेध को, परमादेश को, उत्प्रेषण को, अधिकार परीक्षा को, या इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से किसी एक से अधिक को, जल्दी से। अभी मैंने आप सभी को बताया ना इसे क्या कहा जाता है, आप कहेंगे इसी को तो आपने बताया कि इसे पोस्टमार्टम कहा जाता है। अभी अभी मैंने यहाँ पर आपको बताया, कहाँ चला गया, यहीं पर मैंने अभी आपको बताया था ना। कौन सा था, जल्दी से आप बताएंगे, परमादेश को, किसको कहा जाता है, परमादेश को, ठीक है। अगला है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा को फहराना कौन सा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 19 एक कहता है, ठीक है, आर्टिकल कहता है कि आप झंडा फहरा सकते हो और हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, ठीक है। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं परंतु गैर नागरिकों को नहीं। आइए, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में, कानून के समक्ष समता आर्टिकल 14 में, अल्पसंख्यक के अधिकार आर्टिकल 29 में, जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण आर्टिकल 21 में। तो कौन कौन हुए, केवल एक और तीन, एक और तीन है, पहला ही है, ठीक है, ऐसे आपको चुनने को आते हैं। निम्न में से कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है, सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, क्या होगा, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार आपका क्या है, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार है, शिक्षा का अधिकार, जो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा गया था, कहां पर, तो आप कहेंगे आर्टिकल 21 का के द्वारा या 21 का में, ठीक है, याद रखना है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है, संवैधानिक निराकरण का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, देश के किसी विभाग में घूमने और बसने की नहीं है, संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता नहीं है, तो क्या होगा, संवैधानिक निराकरण का अधिकार प्राप्त है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति, मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसको है, भारत के सभी न्यायालय को, संसद को, राष्ट्रपति जी को, तो आप कहेंगे लागू करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 है, ठीक है, याद रखेंगे।
परेशान नहीं, सब आर्टिकल यही आएंगे। कहा गया नागरिकों के मौलिक अधिकार को प्रदान किए गए 12 से लेकर 35 तक में। निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? संवैधानिक प्रतिकर का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार, देश भर में आजादी के साथ आने जाने का अधिकार। संपत्ति का अधिकार अब एक मूलभूत अधिकार नहीं रह गया। ठीक है, आइए भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है 12 से 35 तक, 13 से 36 तक नहीं है। संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके, संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आएगा? देखिए कितना क्वेश्चन, संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आएगा, तो आप कहेंगे मौलिक अधिकार के अंतर्गत आएगा। जाहिर सी बात है किसके अंतर्गत आएगा, मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार के नहीं, ये तो उसका एक पार्ट है। संवैधानिक अधिकार नहीं, ये तो उसका एक पार्ट है। प्रकृति का अधिकार नहीं, ये सब पार्ट है। किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्न में से कौन सी रिट लागू होती है? अवैध अगर हिरासत हो गई तो आप कहेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण। निम्न में से किस भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो आप कहेंगे संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। यहाँ पर क्योंकि यहाँ उद्देशिका नहीं है, और ये डॉक्टर बी आर अंबेडकर के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा? बी आर अंबेडकर जी के द्वारा कहा गया है। ठीक है ना जी, अंबेडकर जी के द्वारा कहा गया। मौलिक अधिकार की सूची में संपत्ति का अधिकार किसके शासन काल में निकाल दिया गया? तो आप कहेंगे मोरारजी देसाई, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में। कब? 1978 में। ठीक है, और कहां रखा गया? भाग 12 में, भाग 12 और 300 आर्टिकल 300 का या एक अंतर्गत रखा गया। ठीक है, मौलिक अधिकार की मूल सूची निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया है? कौन सा ऐसा मौलिक अधिकार है जिसे जोड़ा गया था? मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया? संपत्ति के अधिकार को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को। क्या कहेंगे? निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को, आर्टिकल 21 का में, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में। ठीक है, जोड़ा गया। कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? 15, 16, 19, 29। 15, 16, 19, 29, आगे 30 भी लिख लो। इसमें देखिए क्या 24 आ जा रहा है, इसमें 14 आ जा रहा है, इसमें 14 और 21 आ गया है। ठीक है, जीवन जीने का अधिकार सबको प्राप्त है। संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो आप कहेंगे संस्थाएं एवं संघ बनाने का अधिकार किस में है? तो आप कहेंगे कानून केवल नागरिकों के लिए कहा गया, प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित अधिकार है, केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है, कानून के समक्ष समानता का अधिकार है, जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। किसमें होगा? आप इसे किसमें रखेंगे? संस्थाएं एवं संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है, केवल नागरिकों के लिए है। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अंतर्गत रखा? 21 में। मैंने अभी आपको बताया ना 21 के अंतर्गत। 19 में तो घूमने फिरने की स्वतंत्रता, 14 में कानूनी है, 20 में आप कमेंट करके बताएंगे क्या है। किसी संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्र होने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है? जब हड़ताल के आधार, राष्ट्र की एकता का वंचित करना है ना, आर्थिक आधार पर, शिक्षा के आधार पर, हड़ताल के आधार पर वंचित कर दिया जाता है। आइए मिलाइए उपाधियों का अंत, शिक्षा का अधिकार, उपाधियों का अंत तो 18 में है। धार्मिक मामले के पर तो आप कहेंगे धार्मिक मामले 25 से लेकर 28, अल्पसंख्यक के संरक्षण 29, शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 का के अंतर्गत है। ठीक है, तो क्या होगा? 4 कहाँ है? 4, 3, 3 से 3, 4, तो 3, 4 सी सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है?
कौन सा मूल भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया? देश के किसी भी भाग में निवास का अधिकार है, लिंग समानता का अधिकार है, सूचना का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या है? सूचना का अधिकार। अनुसूचित जात तथा अनुसूचित जनजाति की बात आ गई। देखिए, अनुसूचित जात तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं, बताएं? 17 में छुआछूत का अंत, उपाधियों का अंत, आर्टिकल 20 में का संबंध है छुआछूत, अस्पृश्यता, अनटचबिलिटी का। ठीक है, मूल अधिकार क्या है? वाद्य योग्य है, आप न्यायालय जा सकते हो, आपके डीपीएसपी, जब अब इसके आगे पढ़ाया जाएगा डीपीएसपी, वो वाद्य योग्य नहीं होंगे। ठीक है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? समानता का अधिकार देता है, धर्म के पालन करने का अधिकार, स्वतंत्रता, समान आवास का अधिकार नहीं देता है। क्यों देगा समान आवास का अधिकार? निम्न में से किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को संविधान का हृदय या आत्मा कहा है? डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने। 30 सवाल हैं शायद, नहीं 27 ही थे। चलिए, मैंने सारे के सारे करवा दिए यार, मुझे लगा था करवाएंगे नहीं, लेकिन चलिए पूरे हो गए। अब आगे हम लोग बात करेंगे किसकी? डीपीएसपी की। किसकी बात करेंगे आगे? तो अब कल जो आपकी क्लास आएगी, वो मतलब जो आपकी क्लास कल से होगी, वो होगी डीपीएसपी की, मतलब राज्य के नीति निदेशक। और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जाए नीति निदेशक तत्वों की बात की जाएगी कल। और ये कहां से होंगे? तो आप कहेंगे 36 से लेकर 51 तक, क्योंकि आपने 35 तक सारा कुछ निपटा दिया। ये लिए कहां से गए थे? आयरलैंड से। अभी आपको मोटा मोटा बता दे रहे हैं ना, आयरलैंड से लिए गए थे ना ये, आयरलैंड से। ये वाद्य योग्य नहीं होंगे, इसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हो, वाद्य योग्य नहीं होंगे, वाद्य योग्य नहीं है, नहीं है। ठीक है, आप इनके लिए न्यायालय नहीं जा सकते हो। अगर आपको कहा जाए समान नागरिक के लिए समान संहिता, या कहा जाए समान व्यक्ति, महिला हो या पुरुष, उसके लिए समान वेतन होना चाहिए, अगर आपको नहीं मिल रहा है, आपके साथ पढ़ाने वाले को वहीं पर 50,000 दिए जा रहे हैं और आपको 30,000 दिए जा रहे हैं, तो आप इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते हो। आपको इसका खुद ही सोल्यूशन सेल्फ निकालना पड़ेगा। ठीक है, सेल्फ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, लेकिन महिलाएं भी क्या करें, तो क्या करें, सोचती घर बैठे से कुछ होगा नहीं, 30,000 ले लिया जाए, तब कुछ ना कुछ अपनी स्किल को डेवलपमेंट किया जाए। इसी के लिए देखिए आर्टिकल 39 में, मतलब महिला सशक्तिकरण के लिए एक कदम उठाया गया था। ठीक है ना, क्या कि समान जाति के, अरे समान लिंग में भेदभाव नहीं करेंगे, चाहे महिला काम करे चाहे पुरुष, एक समान वेतन मिलेगा ना, वेतन की बात की गई कल, इसमें अच्छे से हम लोग बात करेंगे ना। चलिए, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप सभी इनको अच्छे से कर लेंगे, बहुत बेहतरीन और बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सामने तो मैंने पूरी फाइल निकाल के रख दी है, क्योंकि आप चाहते तो आप इसे शुरू से लेकर अंत तक पूरा देख सकते हैं। ठीक है ना, सब कुछ इसमें मैंने दे रखा है, अब ये आपको दे दी जाएगी, अब आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से सब कुछ कर लेंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। क्या रहेगा? फायदेमंद। चलिए, तो आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, अपने साथ सभी अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।